तो हेलो गाइस, पाई बैक थे, बहुत टाइम हो चुका वीडियो के लिए। तो इसके बारे में लास्ट टाइम बात करेंगे, लेट वीडियो लेट क्यों हुआ। तो फिलहाल अभी बात करें 26 एपिसोड ऑफ फैमिली की न्यूज़। तो लेट्स बिगिन। तो अपनी पहली अपडेट है डॉक्टर स्टोन को लेके। तो हाल ही में तो सीजन 3 को अनाउंस किया था 2023 के लिए। तो इस सीजन ने उसकी मांग के बारे में कैसे 5 साल के बाद इसी सिलेक्शन को एंड कर लिया गया है, मतलब कैसे इसको ऑफिशियली अब एंड कर लिया गया है। तो अपने नेक्स्ट नायर ऑटोमेटिक के बारे में, तो हाल ही में इस गेम को अपनी एक मैन्यूअल मिलने की अनाउंसमेंट की गई थी। तो इसको एक प्रीक्वल मांगा मिलने वाली है जो दिसंबर 2022 में आ जाएगी, और इसमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाएगी नायर के बारे में। तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा इसको। तो अभी नेक्स्ट रिबॉर्न टू मास्टर द ब्लेड के बारे में, तो इसके बारे में लास्ट में बात में कैसे इसको एनिमे मिलने वाली है। तो अब इसकी जो डेट थी उसी पर रिवील कर दिया गया है, कैसे जनवरी 2023 को ही आ जाएगी और इसको स्टूडियो कॉमेडी बनाएगा। तो अभी नेक्स्ट होता है इसेकाई वन टर्न किल नेसान के बारे में, तो इस फैंटेसी कॉमेडी जनवरी की मांग को भी एनिमे मिलने वाली है। तो अभी नेक्स्ट होता है फुतकोइनो गिल्ड के बारे में, तो ये मांग को भी अपनी एनिमे मिलने वाली है, जिसके बारे में कोई भी डेट वगैरह रिवील नहीं हुई है, जब होगी तो बता दूंगा। तो अभी नेक्स्ट होता है किनसोन और वर्मिल के बारे में, तो इस मांग को भी अपनी एनिमेशन मिलने वाली है जो कि 2022 जुलाई में आ जाएगी, मतलब इसी साल कुछ महीनों के बाद। तो मांग में इतनी न्यूज़ थी। तो अपनी पहली जो एनिमे अपडेट थी वो आ रही कोमी सन कॉन्ट कम्युनिकेट को लेके, जो सीज़न 2 था वो अप्रैल 6 से प्रीमियर होना शुरू हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही न्यूज़ है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ एक टेंसुरा मूवी के बारे में, यानी कि डेट टाइम इंक्लूडिंग स्लाइम की मूवी के बारे में। तो इसका प्रीमियम था वो नवंबर 2022 में हो जाएगा, और जो इसकी स्टोरी थी वो एक ओरिजिनल स्टोरी होगी। तो अभी नेक्स्ट इंस्पेक्टर यानी कि क्योका सूरी के बारे में, जिसका सीज़न 2 था वो प्रीमियम स्टार्ट करेगा अक्टूबर 2022 से। तो अभी नेक्स्ट मुश्को तैंशी जो अपने सीजन क्रंश के बारे में, तो मतलब इसके वो अपने सीजन 2 को ऑफिशियली अनाउंस कर लिया गया है, इसके बारे में कोई डेटा तो रिवील नहीं किया है, तो इसके बारे में जब होगी तो बता दूंगा। तो अभी नेक्स्ट क्लासरूम वो लाइट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था सीज़न 2 था उसे अनाउंस कर लिया गया था इस साल के लिए, लेकिन अभी का जो सीज़न 3 था उसे भी अनाउंस कर लिया गया है। एज सीज़न 2 में फर्स्ट ईयर की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, और सीज़न 3 में इसकी थर्ड सेकेंड ईयर की स्टोरी शुरू कर लेंगे लोग, तो मतलब काफ़ी सही बात है। तो अभी नेक्स्ट हाई कार्ड एनिमे के बारे में, तो इसके अनाउंस कर लिया गया 2023 के लिए। तो अभी नेक्स्ट सेंट मैजिक पावर इज ऑमनिपोटेंट के बारे में, तो जो सीज़न 2 था उसे भी ऑफिशियली अनाउंस कर लिया गया है। तो अभी नेक्स्ट मैजिक का रिकॉर्ड फाइनली के बारे में, जिसके लास्ट 4 एपिसोड थे उनको एक साथ रिलीज किया जाएगा अप्रैल 3 को। तो फिलहाल आज के लिए इतनी न्यूज़ थी इसमें। तो अब बात कुछ मेजर अपडेट के बारे में, तो अपना पहला जो अपडेट है वो बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि यह फनीमेशन और वैकानिम थे उन दोनों को अक्वायर कर लिया गया सोनी के द्वारा। तो जितना भी इसे कंटेंट है फिर एनिमेट टाइटल्स हो गए वो सब क्रंचरोल के लिए मतलब मूव कर लिए गए। तो इसे जितना भी आपके हस्ते कंटेंट था वो क्रंचरोल पर आप देख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक नया डिजिटल मांगा प्लेटफॉर्म प्लाजा को लॉन्च कर लिया गया US में, जिसमें कि 2000 टाइटल्स हैं। तो आप कहते हैं पहला ऑफिशियल मांगा बन चुका है। तो अपने नेक्स्ट फुल मेटल अल्केमिस्ट के बारे में, तो हमने शायद इसके बारे में बताया था पहले कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले ये लोग, तो इन चीज़ों को कर लिया है। तो ये अनाउंसमेंट 2 लाइव एक्शन के बारे में, जो कि 2017 की मूवी आई थी उसका ही सीक्वल होगा। तो अभी नेक्स्ट होता है 16 सायू अवार्ड के बारे में, तो बेसिकली सायू होते हैं वॉइस एक्टर या फिर एक्ट्रेस। तो बेसिकली फीमेल जो थी वो मिला था मेगुमी ओगाता को, और मिल मिला था केंचो ओनो को, और जितने अवार्ड हो गए आपको सबको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज इतनी न्यूज़ थी, और बेसिकली 2 हफ्ते तक मैं नहीं डाल पाऊंगा कोई भी वीडियो क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद से कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट वीडियो, तब तक सायनारा बाय। लगा मैं आसमान में।